एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहे। जय भीम जय मूल निवासी, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय मूल निवासी विद्यार्थी संसद के आयोजन की सफलता के लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार निरंतर जनसंपर्क संवाद कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जिला नैनीताल में अम्बेडकर छात्रावास, कुमाऊं विश्वविद्यालय और हल्द्वानी में छात्रों से संपर्क किया, साथ ही उनके साथ संवाद साधा। आइए देखते हैं विस्तार से यह खबर। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार उत्तराखंड में राज्य स्तरीय मूल निवासी विद्यार्थी संसद के आयोजन की सफलता के लिए निरंतर जनसंपर्क संवाद कर रहे हैं। मूल निवासी बहुजन छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने संबोधित किया कि दुनिया भर में वर्तमान दैनिक जीवन हर कदम पर ढेरों समस्याओं से जकड़ता जा रहा है और भारत के मूल निवासी बहुजन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। हर तरफ व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का ही दुष्प्रभाव उन्नति के मार्ग पर एक बड़ा अवरोध बन चुका है, जो विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास में शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक एवं कल्चर विकास के साथ विद्यार्थियों के बौद्धिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के चिरस्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। देश में शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ी समस्या, एक राष्ट्र एक शिक्षा व्यवस्था की मांग नकारना, शिक्षा का बाजारीकरण और निजीकरण, छात्रवृत्ति विसंगतियाँ, बढ़ती बेरोजगारी तथा अवसर विनीता निरंतर बनी हुई है। वही एक राष्ट्र निर्माण में बाधक सामाजिक राजनीतिक भेदभाव, गरीबी, बढ़ता अन्याय, अत्याचार, ऐसे तमाम समस्याओं पर मूल निवासी विद्यार्थी संसद में विद्यार्थियों की स्थिति और भूमिका पर उनके दृष्टिकोण से प्रमुख समस्या और उनके चिरस्थायी समाधान में योगदान पर चर्चा होगी। साथ ही इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रतिभाग से नेतृत्व निर्माण की ओर अग्रसर बनाने, बेहतर दृष्टिकोण और प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को इस योजना में राज्य स्तर पर बेस्ट स्टूडेंट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा, जो मूल निवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार ने मूल निवासी बहुजन विद्यार्थियों को अपील करते हुए कहा कि देश, समाज और विद्यार्थियों की समस्याओं के चिरस्थायी समाधान के लिए यह विद्यार्थी संसद एक मजबूत और अनोखा कार्यक्रम है। इसमें सभी मूल निवासी बहुजन अधिक से अधिक संख्या में सहभाग करें। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के लिए उत्तराखंड से संवाददाता राजा गौतम की रिपोर्ट।